हाँ तो बेटा देखिए, अब आपको मैं जो एविडेंसेस पढ़ा रहा हूँ उसमें नया जो एविडेंस है वो है एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी। तो सबसे पहले आपको इस एविडेंस के बारे में आपको जानकारी दे दें कि पैलेंटोलॉजी होती क्या है। अगर हम पैलेंटोलॉजी की बात करें तो पैलेंटोलॉजी माने सीधा होता है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जब हम किसी साइंस में बायोलॉजी की उस ब्रांच में जिसमें फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो उस बायोलॉजी के ब्रांच को हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो फॉसिल्स क्या है? अगर हम आपसे पूछे फॉसिल्स क्या है तो आप कहेंगे सर फॉसिल्स बहुत ही जीव, हिंदी में इसको जीवाश्म कहते हैं। और फॉसिल्स की खास बात यह है कि फॉसिल्स जो है मरे हुए जीवों के अवशेष हैं। जो जीव मर गए हैं उन जीवों के अवशेष हैं। जैसे अगर हम आपको फॉसिल्स की डिफिनीशन बताएं कि फॉसिल्स की डिफिनीशन क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे फॉसिल्स क्या होते हैं, तो देखिए इसकी डिफिनीशन देखिए, सिंपल से लिखिए इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल, रॉक्स। ये देखिए, ये है फॉसिल की डिफिनीशन। फिर से आप देख लीजिए, मैंने लिखा है कि इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन रॉक्स। मतलब ये हुआ कि वो जीव जो अर्थ पे बन रहे थे डेवलपमेंट के दौरान, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के दौरान जो जीव अर्थ पे बन रहे थे, उन जीवों के मरे हुए जो उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो उनके रिमेन्स हैं, उन रिमेन्स को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स की स्टडी जिस साइंस में करते हैं उस साइंस को हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट के नाम देख लीजिए, मान लीजिए आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो कुछ साइंटिस्ट के नाम देख लीजिए। जैसे सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है, या यहाँ पे आप देखें जो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है इनका, अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी किसे कहा जाता है, यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी किसे कहा जाता है। मतलब किस आदमी ने सबसे पहले फॉसिल्स का कॉन्सेप्ट दिया, ये सबसे पहली डिफिनीशन। मैंने कहा कि फॉसिल्स जो है उसे फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। और फॉसिल्स के बारे में बताया कि जो जीव मर गए हैं उनके जो इंप्रेशंस रॉक से पड़े हैं उन्हें इंप्रेशंस को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। तो इसकी जो सबसे कॉन्सेप्ट दिया था जिस दुनिया में जो सबसे पहले जिस आदमी ने कॉन्सेप्ट दिया था, आप उसका नाम देखें, उसका नाम था लियोनार्डो द विंची। आपको पता होगा ये जो है बहुत बड़े चित्रकार हैं। ये इन्होंने मोनालिसा की फोटो बनाई थी, इन्होंने सबसे पहले फ्लाइट्स या हेलीकॉप्टर की फोटो का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को दिया था इसलिए। और सबसे पहले फॉसिल्स के बारे में बताया था। जो फॉसिल टर्म है, अगर आप इस फॉसिल टर्म को देखें तो इस लैटिन भाषा के फॉसिलियम टर्म से आया है। और इस फॉसिलियम माने होता है टू डिग आउट, मतलब किसी चीज को खोद करके निकालना। ये फॉसिल का लिटरल मीनिंग होता है लैटिन लैंग्वेज के फॉसिलियम टर्म से आया, जिसका मतलब टू डिग आउट होता है। तो ये देखो लियोनार्डो द विंची को फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। एक बात और आप देखें, अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। मॉडर्न और एंशियंट का मतलब क्या हुआ? लियोनार्डो द विंची ने किसी भी चीज की डिस्कवरी नहीं की थी, किसी फॉसिल को खोजा नहीं था, सिर्फ उन्होंने फॉसिल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन ये देखिए एक महान नाम है, आपने इनका नाम पहले भी कभी सुना होगा, ये जॉर्ज क्यूबियर है। जॉर्ज क्यूबियर को फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। मतलब 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का जो विश्व था, जो वर्ल्ड था, उस वर्ल्ड में फॉसिल्स की डिस्कवरी करना, फॉसिल्स के बारे में एनालाइज करना, उनको उनके पेडिग्री के नाम से हिसाब से अरेंज करना, ये काम जॉर्ज क्यूबियर ने किया। एक नाम और देखिए, प्लीज आप ये नाम देखिए क्योंकि हमारे भारत की बात है। तो अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी, मतलब भारत में जो है फॉसिल का या पैलेंटोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने
सबसे पहले भारत में फॉसिल्स की डिस्कवरी की, इंडिया में डिस्कवरी की, क्योंकि आपने लिखा है फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी। और बेटा आप सारे लोग जानते होंगे इस महान शख्सियत को, इनका नाम कौन नहीं जाता है, पूरी दुनिया जानती है, डॉक्टर बीरबल साहनी। डॉक्टर बीरबल साहनी को फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी कहा जाता है, मतलब भारत में फॉसिल्स को खोजना, उनकी डिस्कवरी करना, उनको एनालाइज करना, इन चीजों का काम जो जिस आदमी ने किया, जिन्होंने किया, वो है डॉक्टर बीरबल साहनी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अगर आपको भारत के फॉसिल्स देखने हैं तो आप कभी भी लखनऊ अगर विजिट करते हैं तो वहां पर डॉक्टर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी है, वहां पर अगर आप जाएंगे तो गवर्नमेंट का म्यूजियम है, आपको वहां पर तमाम चीजें देखने को मिलेंगी फॉसिल्स से रिलेटेड। बहुत पुराने पुराने जो है फॉसिल्स पड़े हुए हैं, ह्यूमन के, एप के, हॉर्स के, और भी सारे जीव के पड़े हुए हैं, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक दो ब्रांच और है, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भाई पैलियोबॉटनी क्या है, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि आपने पैलियोलॉजी तो पढ़ा दी लेकिन पैलियोबॉटनी क्या है, तो पैलियोबॉटनी क्या है, देखिए अगर पैलियो टर्म लग गया तो इसका मतलब ओल्ड होता है। यहाँ लिखा है पैलियोबॉटनी, यहाँ क्या लिखा है पैलियोजूलॉजी, तो मुझे लगता है आप इसकी लिटरल मीनिंग खुद ही समझ गए। अगर प्लांट्स के फॉसिल्स पाए जाए, प्लांट्स के फॉसिल्स पाए जाए तो उसे हम लोग पैलियोबॉटनी कहते हैं, लेकिन अगर एनिमल्स के फॉसिल्स पाए जाए तो उसे पैलियोजूलॉजी कहते हैं। जैसे अगर आपको कहीं पर फॉसिल्स ऑफ पॉलिंग्रेन्स दिख जाए, फॉसिल्स ऑफ पॉलिंग्रेन्स दिख जाए, या कोई प्लांट का और लीफ दिख जाए, स्टेम दिख जाए, रूट दिख जाए, तो आप कहेंगे सर ये पैलियोबॉटनी में इसकी स्टडी की जाएगी। लेकिन अगर आपको कहीं पर स्केलेटन मिल जाए, मान लीजिए स्केलेटन मिल जाए, बोन्स मिल जाए, टीथ मिल जाए, किसी ह्यूमन एनिमल की बोन्स मिल जाए, टीथ मिल जाए, उसकी स्टडी की जाए, तो उसे हम लोग पैलियोबॉटनी, पैलियोजूलॉजी कहते हैं। मतलब अगर एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग पैलियोजूलॉजी कहते हैं, अगर हम प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग पैलियोबॉटनी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स वो हो गया पैलियोबॉटनी, और स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स वो हो गया पैलियोजूलॉजी। तो अब मैंने आपको क्या क्या सिखाया, सबसे पहले पैलेंटोलॉजी बताया, मैंने ये पढ़ाया क्यों, ये बात पहले कंफर्म कर लिया जाए। ये एविडेंस अभी तक के एविडेंस में फोकस करेंगे, सारे लोग इस पे ध्यान रखेंगे, अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस है, क्या है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने एविडेंसेस आप पढ़ते हैं किसके लिए एविडेंस पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए, तो उसमें सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस क्या है, मैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ये अक्सर पूछा जाता है। मतलब मैंने आपको एविडेंसेस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल करेक्टर, एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, तमाम एविडेंस पढ़ाए, लेकिन उन एविडेंसेस में सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस जो है वो जो है एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी होता है। मतलब इसकी स्टडी जो है इसके बारे में ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस, क्या है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस है, मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस। तो अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने आपको बताया कि पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, जितने भी एविडेंसेस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के दिए जाते हैं उन एविडेंसेस पे मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस है ये जो फॉसिल्स का है। तो इसमें डिफिनेशन मैंने लिख दिया कि वो ऑर्गेनिज्म जो पहले थे, जिनकी रिमेन्स रॉक से पड़े हुए हैं, उसे हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। ये जो डिफिनेशन थी, इस डिफिनेशन को चार्ल्स लायल ने दिया था, इतने से काम चल जाएगा। इसके टाइप्स के बारे में अगर किया जाए तो फॉसिल्स कितने तरह के होते हैं, तो इनमें सबसे पहला जो फॉसिल होता है, जो इसका पहला टाइप है, उस फॉसिल को हम लोग कहते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल्स। ये देखिए सबसे पहला जो फॉसिल होता है उसे हम लोग अनअल्टर्ड फॉसिल कहते हैं। अगर आप इसका नाम ही देखें अनअल्टर्ड फॉसिल, माने ये हुआ कि वह फॉसिल जिसमें कोई लाइफ मरी होगी, कोई जीव मरा होगा, कोई प्लांट मरा होगा, कोई एनिमल की डेथ हुई होगी, तो वो किसी अगर आइस में पड़ी होगी, आइस में पड़ी होगी, तो उस फॉसिल के पूरे के पूरे बॉडी पार्ट जो बॉडी है वो ऐसच पड़ी होगी। तो मतलब इसके लिए अगर आपको कहें तो देखिए फॉसिल ऐसे आप लिख सकते हैं, इसकी डिफिनेशन फॉसिल रिमेन एज सच इन आइस,
मतलब बर्फ में जो फॉसिल पड़े होते हैं, खास बात यह है कि वो फॉसिल कभी डैमेज नहीं होते हैं, मतलब जैसे पड़े होते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। आइस में अगर पड़े रहते हैं फॉसिल तो उनकी डैमेजिंग नहीं होती है। इन तरह के फॉसिल्स को हम लोग अनअल्टर्ड फॉसिल्स कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसका है, इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है ग्रेट उली मैमथ। ग्रेट उली मैमथ ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है अनअल्टर्ड फॉसिल का। मतलब ये फॉसिल है जो अनअल्टर्ड फॉसिल है, साइबेरिया में कहीं पर म्यूजियम में रखा हुआ है और इस फॉसिल्स के कोई डैमेजिंग नहीं है। इसलिए जब फॉसिल में कोई डैमेजिंग ना हो, उसमें कोई चेंज ना हो, इस तरह के फॉसिल्स को हम लोग अनअल्टर्ड फॉसिल्स कहते हैं। एग्जांपल देखिए, लिखा है ग्रेट उली मैमथ लिखा हुआ है। ये एनिमल है, जाइंट मैमल है, जिसको साइबेरिया में कहीं ढूंढा गया था। दूसरा देखिए, अगर आप दूसरा वाला देखते हैं फॉसिल्स का जो टाइप है, तो जो इसका दूसरा फॉसिल है उसे हम लोग कहते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स। ये देखिए, ये दूसरा फॉसिल है जिसे हम लोग कहते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स। ये दूसरा पार्ट है पेट्रीफाइड फॉसिल्स। तो अगर आप पेट्रीफाइड फॉसिल्स के बारे में बात करें तो आप सिंपल से ऐसे लिखिए, फॉसिल्स ऐसे सिंपल से लिखिए, कंपोज्ड ऑफ देखिए, ध्यान से देखिए, शेल। आपको अगर पता हो तो शेल मतलब वो चीज है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, उन्हें शेल कहा जाता है। जैसे मोलस्का की जो शेल्स होती हैं और सिलेंट्रेटा में जो होते हैं वो स्ट्रक्चर, और मतलब एक्स के ऊपर ये स्ट्रक्चर पड़ा होता है, तो ये हार्ड होती है। एक तो शेल हो गया, दूसरा बोन्स हो गई बोन्स, तीसरा हो गया टीथ। मतलब हार्ड चीजों की अगर कोई चीज बनी है, कोई हार्ड चीज की फॉसिल है जो कभी, वैसे भी आप सोचिए किसी जीव को अगर आप दफना दें, जमीन के अंदर दफना दें, तो उसके मांस तो जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसकी हड्डियां हो गई, उसके दांत हो गए, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। वैसे भी आपने पढ़ा है कि जो हार्ड चीजें उनका डिकम्पोजिशन रेट स्लो होता है और जो सॉफ्ट चीजें होती है उनका डिकम्पोजिशन रेट क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये अगर आपको किसी फॉसिल में, किसी आपने कहीं पर फॉसिल को डिग आउट किया और आपको उस पर बोन्स मिल रही हैं, टीथ मिल रही हैं, शेल मिल रही हैं, तो इस तरह के फॉसिल को पेट्रीफाइड फॉसिल कहा जाता है। इसके बारे में एक बात आपको याद करना है और, कि पाए जाने वाले फॉसिल्स में सबसे मोस्ट कॉमन टाइप फॉसिल है, मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला फॉसिल पेट्रीफाइड फॉसिल है, यह भी याद रखना है। पूछा जाता है कौन सा फॉसिल है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तीसरा फॉसिल देखिए, अगर आप इसका तीसरा फॉसिल देखते हैं तो इसे हम लोग मोल्ड फॉसिल्स कहते हैं। देखिए मोल्ड फॉसिल्स कहते हैं। इस मोल्ड फॉसिल्स में थोड़ा सा फोकस करेंगे, देखिए इंप्रेशंस ऑफ फॉसिल्स यहां पर फॉसिल्स के केवल इंप्रेशंस पाए जाते हैं, मतलब कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। एक फॉसिल और है यहां पर, देखिए प्रिंट फॉसिल है। देखिए प्रिंट फॉसिल को आपको ऐसे लगेगा, अरे सर ये क्या है प्रिंट फॉसिल, कौन सी प्रिंटिंग ये दे रहा है? जी हाँ, ये प्रिंटिंग देता है, प्रिंट देता है। जैसे मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज लिखता हूं, प्रिंट ऑफ किसके किसके ये प्रिंट दे रहा है, प्रिंट ऑफ रूट के प्रिंट्स दे रहा है, ये लीव्स के दे रहा है, स्टेम्स के दे रहा है, ये प्रिंट्स देता है। तो आप देखिए फॉसिल से कितने टाइप हो गए, चार मैंने यहां लिखा, अनअल्टर्ड फॉसिल जो चेंज नहीं होते हैं, पेट्रीफाइड फॉसिल जो हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल के बने हुए हैं, मोल्ड फॉसिल जो फॉसिल केवल इंप्रेशन है, वहां कोई फॉसिल नहीं होता है, एक कोई स्ट्रक्चर होता है, और प्रिंट फॉसिल जो है रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीफ हो गए, ये किसी प्लांट की चीजों का प्रिंट देते हैं। इसका अगर अगला आप टाइप देखते हैं तो आपको ये वाला याद करना है, इसका अगला टाइप है कैप्रोलाइट्स। फोकस करेंगे आपको इस पे सीखना है कैप्रोलाइट्स क्या होता है। तो देखिए, देखिए ऐसे लिखता हूं फॉसिल्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, कंपोज्ड ऑफ फॉसिल्स, कंपोज्ड ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। अगर कोई फॉसिल है जिसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है तो इस तरह के फॉसिल को हम लोग कैप्रोलाइट्स कहते हैं। ये देखिए, तो अब टोटल फॉसिल कितने हो गए, पांच। पहला हो गया अनअल्टर्ड फॉसिल्स,
जो एज सच रहते हैं, पेट्रीफाइड फॉसिल्स जो हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल के बने हुए हैं, मोल्ड फॉसिल्स जो फॉसिल्स केवल इंप्रेशन है, यहाँ कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, प्रिंट फॉसिल्स रूट स्टेम लीफ के प्रिंटिंग देते हैं, और ये देखिए कैप्रोमाइट्स हैं, ये फॉसिल्स जो हैं, ये जो फॉसिल्स हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के बने हुए हैं। तो टाइप कितने हो गए, 5, अनअल्टर्ड, पेट्रीफाइड, मोल्ड फॉसिल, प्रिंट फॉसिल और कैप्रोलाइट्स। तो ये 5 इसके फॉसिल हो गए टाइप, इसके टाइप हो गए। अब अगर हम लोग इसका फॉसिल का हम लोग समरी देखें कि इसका प्रॉफिट क्या है, समरी में हमें क्या मिलता है, इसकी समरी क्या है, तो मैं यहां पर आपको समरी सिखाता हूं। तो अगर आप फॉसिल्स की समरी देखें तो समरी में जो है, तो फिर हम लोग जो है ये 5 फॉसिल्स हम लोगों ने पढ़े, अनअल्टर्ड फॉसिल्स जो चेंज नहीं हो रहे हैं, पेट्रीफाइड फॉसिल्स जो हार्ड चीजों के बने हुए हैं, मोल्ड फॉसिल्स जिसमें इंप्रेशन है, प्रिंट फॉसिल्स जिसमें प्रिंट है, कैप्रोलाइट्स में जिसमें एक्सक्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट है। हमने रिजल्ट क्या देखा, हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, सबसे पहली बात हमको ये मिल रही है, ध्यान देंगे आप लोग, कि जो शुरुआती फॉसिल्स थे, जो अर्ली फॉसिल्स थे, वो फॉसिल्स सिंपल थे। बहुत ही फोकस करने वाली बात है ये, मतलब जो सबसे पुराना फॉसिल है वो सिंपल है, मतलब अगर आज के 50,000 साल पहले कोई फॉसिल पाया गया तो वो सिंपल है किसी भी जीव का। लेकिन जो लेटेस्ट फॉसिल्स हैं, जो लेट फॉसिल्स हैं, जो बहुत ही जल्दी मिले गए, जो अभी अर्ली मिले गए मतलब जल्दी मिले गए, वो फॉसिल्स कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए वो फॉसिल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो आपने एक बात गौर नहीं की, पुराने फॉसिल्स सिंपल है, शुरुआती फॉसिल्स, लेकिन जो लेटेस्ट फॉसिल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुई। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, मतलब आपको ये बात बड़ी बहुत ही ध्यान देनी है कि जो सबसे पुराना फॉसिल है वो सिंपल है, और जो सबसे उसी जाति का लेटेस्ट फॉसिल है वो कॉम्प्लेक्स है। भाई जैसे आप मोबाइल लेते हैं, तो जो सबसे पुराना मोबाइल होगा, जो पहला सेट आया हुआ होगा मोबाइल दुनिया का, उसमें अगर आपने ध्यान दिया तो एंटीना लगा था, वो सिंपल था। लेकिन लेटेस्ट जो मोबाइल आ रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्या मालूम कितने तरह के सॉफ्टवेयर पड़े रहे हैं। मोबाइल का दाम किस लिए बढ़ता है, उसमें नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, उसका कैमरा अच्छा होता है, फिर तमाम चीजें होती हैं। तो ऐसे ही जो शुरुआती फॉसिल थे किसी भी जीव का, जैसे ह्यूमन का जो सबसे शुरुआती फॉसिल था वो ड्राइपिथेकस था, लेटेस्ट फॉसिल तो भैया हम ही होमो सेपियंस सेपियंस है, तो ड्राइपिथेकस सोचो कितना सिंपल रहा होगा, और हम लोग क्या है उससे कंपेरिजन बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये बात एक जरूर बता की जाता है कि जो शुरुआती जीव थे वो सिंपल थे किसी भी जाति के, और जो लेटेस्ट कोई भी लाइफ है वो उसी स्पीसीज की वो कॉम्प्लेक्स है। तो ये देखिए अर्ली फॉसिल्स सिंपल थे और लेट फॉसिल्स जो है कॉम्प्लेक्स है। दूसरा देखिए, फॉसिल्स के द्वारा हम लोग कनेक्टिंग लिंक की स्टडी करते हैं। कनेक्टिंग लिंक, मैंने आपको बताया था कनेक्टिंग लिंक, जब कोई जीव मर जाता है तो उसे कनेक्टिंग लिंक ना कह के मिसिंग लिंक कहा जाता है। तो कनेक्टिंग लिंक ना कह के अगर आप इसे मिसिंग लिंक कहें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। मतलब कोई फॉसिल है, जो ये जीव है जिसके अब कोई भी मेंबर्स, उस जात के मेंबर्स दुनिया में नहीं रह गए हैं, तो उसे कनेक्टिंग लिंक ना कहके मिसिंग लिंक कहते हैं। अगर आपको एग्जांपल हो याद हो तो आर्कियोप्टेरिक्स है। ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है, ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये क्या है, किसका कनेक्ट लिंक है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स का। अगर ये फॉसिल ना मिला होता तो हम ये ना कह पाते कि बर्ड्स की ओरिजिन रेप्टाइल्स हुई है। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स एक फॉसिल है जिसकी डिस्कवरी हम आपको इसका डिटेल अभी पढ़ाते हैं, या आप यहां देख ले कनेक्टिंग लिंक जो है आर्कियोप्टेरिक्स है, कनेक्शन है किसके किसके बीच का। अगर हम आपको आर्कियोप्टेरिक्स की पूरी जानकारी दे दें यहाँ पे, तो हमने आपको पहले पढ़ाया था कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है, आर्कियोप्टेरिक्स आपने लिखा था, सीधे ऐसे लिखेंगे, कनेक्टिंग लिंक है, देखते जाइए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोल बेटा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये एक खास तरह का मिसिंग लिंक है। मैंने कनेक्टिंग लिंक बार बार लिखा क्योंकि हमारे लिए प्रोसेस में है, लिखने की हैबिट में है, लेकिन इसको मिसिंग लिखना चाहिए क्योंकि अब इसका कोई भी मेंबर दुनिया में नहीं है। तो ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर कैरी करता है। अगर आप इसके डिस्कवरर का नाम देखें, किसने इसे खोजा था,
तो देखिए डिस्कवरर का नाम है जिसने इसे खोजा था, उस आदमी का नाम है एंड्रियास वैगनर। अगर आपको याद ना हो, आप घर पे वैगनर गाड़ी है उससे भी इनका नाम आप याद कर सकते हैं। गाड़ी नहीं है तो गाड़ी आप खरीदेंगे, आप तो वैगनर खरीदेंगे नहीं, आप तो ऑडी लेंगे, डॉक्टर है आप तो डॉक्टर बनेंगे ना, भविष्य के डॉक्टर है तो आप तो गाड़ी तो लेंगे ही नहीं, आपको ऑडी चाहिए। तो ये देखिए एंड्रियास वैगनर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इस मिसिंग को खोजा था। कहां खोजा था ये देखिए, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी बिल्ला नंबर 786, असीम के लिए उसने गाना गाया था, गाना था ओ बावरिया। तो इसने जो खोजा था, इसने जो डिस्कवरी की थी इस लिविंग फॉसिल्स की, वो बावरिया जगह है, बावरिया ऑफ जर्मनी, जर्मनी में कोई जगह है बावरिया, उस जगह पर इस फॉसिल को उसने खोजा था। सोचो अगर ये फॉसिल ना मिलता तो हम दुनिया को ये ना बता पाते कि भैया जो रेप्टाइल्स जो वर्ड्स हैं उनकी ओरिजिन रेप्टाइल से हुई है, मतलब चिड़िया जो है वो रेप्टाइल से आई है, ये कोई मानने के लिए तैयार ही ना होता, हम ही ना मानते, हम पढ़ा जरूर हम ही ना मानते। तो खोजा किसने था याद करना है, एंड्रियास वैगनर ने, बावरिया ऑफ जर्मनी में। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें रेप्टिलियन करेक्टर कौन सा है, तो आप यहां लिख दीजिए कि यहां पर रेप्टिलियन करेक्टर कौन सा है, और इधर लिख लीजिए कि इसमें एवियन करेक्टर कौन सा है, एवियस का करेक्टर कौन सा है। मैं ऐसे लिख देता हूं फटाफट, थोड़ी थोड़ी बातें लिखता हूं जो आप सीख जाएंगे। तो रेप्टिलियन करेक्टर ये है कि ये होमोडांट है, होमोडांट माने क्या होता है, होमोडांट माने हुआ कि इसके मुंह में जो दांत है सब एक जैसे थे। हमारे मुंह में कितने तरह के दांत हैं, चार तरह के, कौन कौन से हैं, सीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो हम चार तरह के दांत हमारे मुंह में हैं, हम इसलिए पेट्रोडांट है, लेकिन इसमें जो दांत है वो चारों दांत सारे दांत एक जैसे हैं, होमोडांट है, ये आपको याद रखना है। अगर बर्ड्स का कोई करेक्टर पूछे तो आप देखेंगे सर प्रेजेंस ऑफ फेदर, इसमें पंख पाए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ फेदर। ये देखिए बर्ड्स का करेक्टर ये है कि इसमें जो है पंख पाए जाते हैं, ये एवियन करेक्टर है। तो पंख पाए जाते हैं इसलिए ये जो है चिड़िया का करेक्टर है और रेप्टाइल का करेक्टर है कि ये होमोडांट। आपको पता होगा कि कोई भी जो बर्ड होती है जब पैदा होती है तो उसके मुंह में हल्के हल्के दांत होते हैं, लेकिन चिड़िया जब बड़ी हो जाती है तो उसके मुंह में दांत नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा रेप्टाइल है, ये ऐसा एक चिड़िया है जो जिसके मुंह में सारे दांत एक जैसे थे, इसलिए इसको होमोडांट कहा जाता है। और आप एक कमेंट यहां देख लें, यहां पर एक कमेंट और देख लें कि इसमें कौन से करेक्टर एवियन है, पहले रेप्टिलियन देख लें। नॉन न्यूमेटिक बोन्स आप फोकस करेंगे, आपको सीखना है, बिना सीखे कल्याण नहीं है। नॉन न्यूमेटिक बोन्स लिखा मैंने, नॉन न्यूमेटिक बोन्स क्या है ये भी ध्यान रखना है कि कौन से बोन्स है जिन्हें नॉन न्यूमेटिक कहते हैं। आपने पढ़ा है कि बर्ड्स में जो बोन्स होती हैं, थोड़ा सा यहां देख ले, जैसे कोई चिड़िया है अगर उसकी ये बोन्स है, ऐसे ये बोन्स ये हड्डी है किसी भी चिड़िया के, तो उस हड्डी में ऐसी के बोन के मैट्रिक्स में एयर कैविटीज पाई जाती है। आप कहेंगे क्यों पाई जाती है, कोई भी चिड़िया के बोन्स में, किसी बर्ड के बोन्स में एयर कैविटीज पाई जाती है, प्रॉफिट क्या है उसका, इस बोन का वेट कम होगा ज्यादा होगा, आप कहेंगे कम होगा। तो अगर किसी बोन के मैट्रिक्स में एयर कैविटीज पाई जाती है तो उसे न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। किसी बर्ड में जो फ्लाइट कर रही है उस चिड़िया के बोन्स में एयर कैविटीज पाई जानी चाहिए, लेकिन ये जो आर्कियोप्टेरिक्स था इसके बोन्स में एयर कैविटीज नहीं पड़ी थी, इसलिए ये नॉन न्यूमेटिक बोन्स हैं। एक बात और देख लें, यहां पर वीक स्टर्नम, वीक क्लेविकल लिख सकते हैं, ये क्लेविकल कौन सी बोन है, कॉलर बोन है, ये जो कॉलर बोन है ये इसकी कमजोर थी, ये इसका एवियन करेक्टर है। तो इस तरह से देखें ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या बताता है, ये बताता है फॉसिल्स, ये फॉसिल है और जो बताता है कि बर्ड्स की ओरिजिन रेप्टाइल से हुई है। और ये देखिए मैंने मिसिंग लिंक की जानकारी कर दी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका ये कमेंट है कि जो पुराने जो लेटेस्ट पुराने फॉसिल्स थे वो सिंपल थे और जो लेटेस्ट फॉसिल्स हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एक इसका तीसरा आप एग्जांपल देखें, इसका जो होता है तीसरा जो जो इसका रिजल्ट है या जो समरी है, हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस है। पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है,
जेनेटिक्स अभी आप पढ़ रहे होंगे या जेनेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, तो पेडिग्री एनालिसिस क्या समझ लें। जब आप अपने घर में जाते हैं तो आपके यहाँ कुटुंब रजिस्टर होता है, तो हम लोग जेनेटिक्स में एक चार्ट पढ़ते हैं कि हमारे पेरेंट्स, उनकी संतानें, उनकी शादी हुई फिर उनकी संतानें हैं, फिर उनकी शादी हुई फिर उनकी संतानें हैं, उसे हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। आपको पता होगा इस महान आदमी के बारे में, एक आप देखें हॉर्स की पेडिग्री एनालिसिस जो थी, एक वैज्ञानिक थी उनका नाम सी मार्स था। आप मार्स मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है। इस सी मार्स ने हॉर्स की पेडिग्री एनालिसिस की थी, मतलब घोड़ा जो है उसकी स्टडी की थी। ये जो घोड़ा आपको आप देखता है हिमनाते दौड़े दौड़ रहा, ये घोड़ा ऐसे नहीं था। अगर आप इस घोड़े की पेडिग्री एनालिसिस करें तो इसके जो फॉसिल्स मिले, क्या नाम थे उनके, इसका जो दुनिया में सबसे पहला फॉसिल मिला उस फॉसिल का नाम इयोहिप्पस था। घोड़े का जो सबसे पुराना फॉसिल है वो इयोहिप्पस है। ये कैसे दिखता था, इसको अगर आप कभी देखे हो, अगर इसका फॉसिल तो आप कभी नहीं देखे होंगे, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसका फॉसिल देखेंगे तो ये भेड़ के बच्चे जैसा दिखाई पड़ता था। मतलब जो घोड़ा था, जो हॉर्स है, वो पहले भेड़ के बच्चे जैसे था। कौन बताता है, ये पैलेंटोलॉजी बताती है। तो इसका मतलब ये सबसे पुराना फॉसिल है, ये सिंपल होगा। तो ये सिंपल सा फॉसिल है जो भेड़ के बच्चे जैसा दिखाई पड़ता था। मतलब ये घोड़ा जो आज दिख रहा है, जो दौड़ रहा है, ये घोड़ा ऐसे नहीं था, ये भेड़ के बच्चे जैसा था। फिर इसके बाद इसका जो उससे बाद का फॉसिल मिला, उस फॉसिल का नाम था, देखिए उस फॉसिल का नाम था मेसोहिप्पस। ये दूसरा फॉसिल है। अब इस मेसोहिप्पस में क्या था, ये तो भेड़ के बच्चे जैसा दिखता था, इसने अपनी थोड़ी सी गर्दन उठाई और हल्का हल्का दौड़ना शुरू किया। इसके बाद इसका जो फॉसिल मिलता है उसका नाम है मेरिचिप्पस। ये देखिए इसका जो अगला फॉसिल है उसका नाम क्या है, मेरिचिप्पस है। ये इसका फॉसिल है। इसके बाद का जो फॉसिल है, क्योंकि हम लोग लिख रहे थे इसको पूरा करना ही पड़ेगा, मेरिचिप्पस के बाद जो फॉसिल है उस फॉसिल का नाम प्लायोहिप्पस है। प्लायोहिप्पस है, और प्लायोहिप्पस के बाद ये फॉसिल नहीं है, इसे आप रोज देख रहे हैं, हो सकता है आपने इस पर सवारी की हो। ये मॉडर्न हॉर्स है। आपसे क्वेश्चन अगर कभी हॉर्स से पूछेगा, क्या पूछेगा आपका, ये सीक्वेंस पूछेगा। सबसे पहले कौन सा आया, इयोहिप्पस आया, फिर कौन सा आया, मेसोहिप्पस आया, फिर कौन सा आया, मेरिचिप्पस आया, फिर कौन सा आया, प्लायोहिप्पस आया, अभी कौन सा है, इक्कस है, इक्कस इक्कस है, इक्कस इक्कस है, तो घोड़ा है। अगर कहीं आपने इक्कस से साइनस कहती है तो गधा हो जाएगा। सिर्फ चीज बदल जाने से घोड़ा गधा हो जाता है। जब वो इक्कस इक्कस होता है तो घोड़ा होता है, और जब इक्कस से साइनस हो जाता है तो गधा हो जाता है। जीनस सेम, स्पीसीज बदल गई। तो आप ये देखिए, ध्यान दीजिए, इस सब्जेक्ट में तीन चीजें हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हैं इस सब्जेक्ट में, तीन चीजें हैं। एक चीज है इसमें जादू, दूसरा इसमें है नशा, और तीसरा इसमें है मदहोशियां। ये मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तीन अलग अलग चीजें हैं। जादू क्या है, ये सब्जेक्ट बता रहा है कि ये हिप्पस से इक्कस पढ़ रहा है। नशा क्या है, पढ़ लेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और मदहोशियां क्या है, जब कोई एलएसडी ले लेगा, कोई अफीम खा लेगा तो नशेड़ी हो जाएगा। तो एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें जादू है, जिसमें नशा है, और जिसमें मदहोशियां है। तो अब आपको हम लोग जो है, हम आपको एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का अगला एविडेंस है, इसमें जो सबसे पहला रूल आता है वो आता है बेयर्स लॉ। ये देखिए सबसे पहले बेयर का लॉ आता है, बेयर का लॉ आता है। बेयर कहते हैं ऑर्गेनिज्म सोज इट्स ancestral shows its ancestral characters during embryonic development, during its embryonic development. ये देखिए
एक साइंटिस्ट, ये देखिए ये एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजी का, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का एविडेंस है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक सिंपल जीव से कॉम्प्लेक्स लाइफ कैसे बनी, उसके हम लोग एम्ब्रियोलॉजी से स्टडी करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी क्या है भाई? जायगोट से एम्ब्रियो तक का जो डेवलपमेंट होता है उसकी स्टडी हम लोग इस ब्रांच में करते हैं, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इस ब्रांच में करते हैं, हिंदी से हम लोग भ्रूण विज्ञान कहते हैं। तो बेयर ये कहते हैं, एक साइंटिस्ट बेयर है, इनका पूरा नाम बेयर है, बेयर ये कहते हैं कि जब कोई एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, कोई भी एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, तो उस डेवलपमेंट के दौरान अपने एंसेस्टर के करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फिर से मैं दोहराता हूं उस बात को कि जब कोई एम्ब्रियो अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है तो डेवलपमेंट के दौरान वह अपने एंसेस्टर के करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्लेन करता है कि हमारे एंसेस्टर ऐसे थे। इसी बात को, ये जो लिखा हुआ है इसी बात को एक वैज्ञानिक है जिनका नाम मुलर था। ये देखिए, ये साइंटिस्ट है जिनका नाम मुलर है, मुलर्स ला। इसी बात को मुलर ने कहा, भाई आप ऐसे मत बोलिए, आप इसको लैटिन भाषा में बोलिए, ये बोलिए ऑन्टोजिनी। ये मुलर कह रहे हैं, ये बात जो है इसी बात को ऐसे लिख रहे हैं वो ऑन्टोजिनी। ये देखिए रिकैपिटुलेट्स क्या फाइलोजीनी, ऑन्टोजिनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजीनी। ये देखिए ये बात कह रहे हैं मुलर, मुलर भी वही बात कह रहे हैं जो काम जिस बात को बेयर ने कहा। बेयर क्या कहते हैं कि कोई भी एम्ब्रियो जो भी डेवलपमेंट के दौरान अपने एंसेस्टर मतलब अपने पूर्वज के करेक्टर को एक्सप्लेन करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हमारी ओरिजिन इस तरह के एंसेस्टर से हुई है। इसी बात को लैटिन भाषा में मुलर ने ये बात कही। अब इसमें रिकैपिटुलेट्स में रिवाइज होता है। ऑन्टोजिनी माने, मैं आपको पहले बता दूं कि ऑन्टोजिनी की मीनिंग क्या हुई। ऑन्टोजिनी की अगर आप मीनिंग देखें तो ऑन्टोजिनी माने क्या हुआ, और दूसरा आपको देखना है कि फाइलोजिनी माने क्या हुआ। दोनों को पहले आप मीनिंग देख लें, फिर हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप ऑन्टोजिनी देखते हैं तो इसके लिए टर्म लिखा जाता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री। किसी भी इम्ब्रियो की अगर आप स्टडी कर रहे हैं, उसके इम्ब्रियो की स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी को हम लोग ऑन्टोजिनी कहते हैं। फाइलोजिनी क्या है? स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ी मजेदार बात चीजें हैं। अगर आप कोई इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां से होता है? जायगोट से। ह्यूमन में आप पढ़ते हैं जायगोट से मार्बुला बनता है, मार्बुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्टुला, गैस्टुला से फिर आगे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये जायगोट मार्बुला ब्लास्टुला गैस्टुला जो पढ़ रहे हैं, इसकी स्टडी को की हिस्ट्री को हम लोग ऑन्टोजिनी कहते हैं। और अगर आपकी शादी के लिए कोई आए, आपके पूछे आपका पापा का नाम, फिर आपके दादा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, ऐसे जब आपकी पेडिग्री पूछी जाती है, लगातार आपके वंश गोत्र और क्या क्या पूछा जाता है, आपके इवोल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, तब इस स्टडी को हम लोग फाइलोजिनी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप कहां से आए, आप क्या कहेंगे? हम साउथ अफ्रीका से आए। पूरा ह्यूमन जो पॉपुलेशन कहां से, उसकी ओरिजिन कहां से हुई? अफ्रीका से हुई, अफ्रीका के फॉरेस्ट से हुई। तो इस तरह से देखिए, अगर आपकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात की जाए, जैसे भी आपने हॉर्स का देखा था, हॉर्स की ओरिजिन कहां से? इयोहिप्पस, मेजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, प्लायोहिप्पस और इक्कस। ये कौन सी स्टडी है? इसे हम लोग कहते हैं फाइलोजिनी। और अगर आप एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं तो इसे हम लोग ऑन्टोजिनी कहते हैं। अब इसका मतलब आप देखिए, ऑन्टोजिनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजिनी, मतलब ये हुआ, ऑन्टोजिनी माने ये हुआ कि प्रत्येक इंद्रियो अपने डेवलपमेंट के दौरान अपने एंसेस्टर के करेक्टर को रिवाइज करता है। जैसे पहले बात आप जान लें, बेयर ने ये बात कही रिटन, मुलर ने इसे ऐसे कहा जो लिखा हुआ है। बाद में आपकी एनसीईआरटी ने साइंटिस्ट का नाम लिया, नाम भी देता हूं मैं, यही आदमी आया जिनका नाम था अर्नेस्ट हेकेल नाम था। आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, महान शख्सियत है। और अर्नेस्ट हेकेल ने इसी बात को ऐसे कहा। क्या कहा? इसी बात को इन्होंने
बायोजेनेटिक लॉ कहा। किस बात को बायोजेनेटिक लॉ कहा? इस बात को जो लिखा हुआ है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने डेवलपमेंट के दौरान अपने एंसेस्टर इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर को रिवाइज करता है। एग्जांपल्स देखिए, बिना एग्जांपल की जिंदगी नहीं चलती है। अगर आप इनके एग्जांपल्स देखें, सबसे पहला एग्जांपल्स मैं नोट कर पाऊं तो अगर आप इसके एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले देखिए जाइगोट। जाइगोट क्या है? जाइगोट जाइगोट क्या है? जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड माने उनमें टू एन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जाइगोट इज प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ एंड मैमल्स। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर एक बात ध्यान दें कि ये जो जायगोट है ये प्रोटोजोआ में पाया जाता है। प्रोटोजोआ सबसे सिंपल फाइलम है। मैमल्स सामने खड़े होकर पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हैं, इनके भी जो ओरिजिन होती है, जो सबसे सिंपल सेल होती है, जहां से ओरिजिन होती है, वो भी जायगोट होता है। तब जायगोट प्रोटोजोआ में पाया जाता है और जायगोट मैमल्स में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों की ओरिजिन किसी एक एंसेस्टर से हुई है। और जब किसी चीज सारी चीजों की ओरिजिन किसी एक एंसेस्टर से होती है तो इसे हम लोग कहते हैं बायो की लैंग्वेज में मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। मोनो माने क्या हुआ? सिंगल। फाइलेटिक माने हुआ, फाइलेटिक माने हुआ एंसेस्टर। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटोजोआ में भी और मैमस में प्रोटो क्या पाया जाता है? जाइगोट। इसलिए इस प्रोटोजो और मैमस की ओरिजिन किसी एक एंसेस्टर से हुई है। दोनों की ओरिजिन किसी एक एंसेस्टर से हुई है। दूसरा एग्जांपल देखिए मारुला। देखिए मारुला, ब्लास्टुला, मारुला ब्लास्टुला एंड अर्ली गैस्टुला। मारुला ब्लास्टुला एंड अर्ली गैस्टुला आर सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब हुआ इसका? चाहे वो प्रोटोजोआ का अमीबा हो, चाहे मैमल्स में ह्यूमन हो, हम लोग हो, इस सब में ये जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, कौन कौन से स्टेजेस हैं? एक स्टेज मारुला है, एक स्टेज ब्लास्टुला है और एक स्टेज अर्ली गैस्टुला है। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट में से पढ़ा होगा, मारुला कहते हैं जब मलबरी से दिखता पड़ता है, ब्लास्टुला कहते हैं जब उसमें स्पेस हो जाता है और गैस्टुला जब उसमें जब लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे पॉलीफेरा हो, चाहे सिलेंटेटा, चाहे टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ, स्केलमिंथ, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, कोई भी फाइलम हो, कोई भी क्लास हो, हर जगह ये कॉमन है। मारुला भी, ब्लास्टुला भी, गैस्टुला भी, ये बताता है। अब मैमल्स, मैमल्स में भी हम लोगों की जो ओरिजिन हो रही है वो जाइगोट से हो रही है। हमारे भी डेवलपमेंट के दौरान मारुला ब्लास्टुला गैस्ट्रा दिखाई पड़ रहा है, अमीबा की भी लाइफ में ऐसा दिखाई पड़ रहा है। आपको नहीं लगता दोनों किसी एक पिता की संतानें हैं, कोई इसी एक एंसेस्टर की संतानें हैं, दोनों की ओरिजिन किसी एक जगह से हुई है, तो क्या नाम देंगे इस प्यार को? मैं क्या नाम दूं? मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? लिखो ना मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। दोनों के पापा कौन? एक। सबका दाता कौन? राम। जो लोग कहते हैं सबका दाता राम, सही बात है, सबका दाता राम। देखो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन कह रहा है। ये देखिए इसका तीसरा एग्जांपल देखिए, इसका तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल फेरेंजियल गैस्ट्रिक्स। ऐसे दिख रहा हूं ना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन इम्ब्रियो ऑफ ऑन कॉर्डेट्स। फोकस करना,
फोकस नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मैंने क्या लिखा है, फेरिंगियल गैस्ट्रिट्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो ऑफ ऑल कार्डियट्स। ये देखिए, अगर आप ऐसे फिगर बनाऊं, ये देखिए, ये कौन है, ये फिश का एम्ब्रियो है, इसके भी एम्ब्रियो में ये फेरिंजियल गैस्ट्रिट्स पाई जाती है। क्या है फेरिंजियल गैस्ट्रिट्स, ये एम्ब्रियो पाई पर ध्यान रखना। ये देखिए, ये फ्रॉग का एम्ब्रियो है, इस पे देखिए फेरिंजियल गैस्ट्रिट्स पाई जा रही है। ये देखिए, ये हेन का एम्ब्रियो है, चिक का, ये चिक का एम्ब्रियो है, इसमें भी देखिए फेरिंजियल गैस्ट्रिट्स पाई जा रही है। ये देखिए, देखिए बार बार देखो, हजार बार देखो, किसका एम्ब्रियो है, मैन का। क्या है ये, ये सब एम्ब्रियो है। देखिए किसके किसके एम्ब्रियो है, ये फिश का एम्ब्रियो है, ये फ्रॉग का एम्ब्रियो है, ये चिक का एम्ब्रियो है, और ये मैन का एम्ब्रियो है। चार एम्ब्रियो है, इन चारों में कॉमन क्या है, इन चारों में कॉमन ये साहब, ये फेरिंजियल गैस्ट्रिट्स कॉमन है इसमें। फेरिंजियल गैस्ट्रिट्स जो है इन चारों के एम्ब्रियो में पाई जा रही है, चारों के एम्ब्रियो में पाई जा रही है। अगर चारों के एम्ब्रियो में पाई जा रही है, इसका मतलब यह हुआ इन चारों की ओरिजिन किसी एक एंसेस्टर से हुई है। क्या कहेंगे, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। क्या कहेंगे, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन कहेंगे। हाँ, तो हम लोग इसके एग्जांपल्स देख रहे थे एम्ब्रियोलॉजी के। तो मैंने कहा कि जायगोट से एम्ब्रियो की ओरिजिन होती है सारे फाइलम्स में। दूसरा मैंने बताया कि मार्डुला, गैस्ट्रा, गैस्ट्रा की ओरिजिन सारे फाइलम में जैसे हैं। अर्ली गैस्ट्रा सब में सेम है, लेट गैस्ट्रा सब में डिफरेंट होता है। और मैंने बताया फाइव फेरिंजियल ग्लिसिड्स हर कार्डेट्स के एम्ब्रियो में पाया जाता है। अगला एग्जांपल्स देखिए, देखिए ये लिख रहा हूं मैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर आपको पता हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक माने जिनमें तीन जर्म लेयर पाई जाती है, तीन जर्म लेयर जिसमें पाई जाती है, तीन जर्म लेयर, ऐसे इम्ब्रियो जिसमें तीन जर्म लेयर पाई जाती है। अगर आपको पता हो तो तीन जर्म लेयर होती हैं, एक होती है इक्टोडर्म, एक होती है मेसोडर्म और एक होती है इंडोडर्म। और अगर आपको पता हो इक्टो मेसो और इंडोडर्म में तीन जर्म लेयर हैं जो इम्ब्रियो में पाई जाती है। किस किस फाइलम में, किस किस फाइलम में, किस किस फाइलम से, किस किस फाइलम से, अगर बेटा आपको याद हो मैं आपको यहां रिवाइज करा देता हूं। प्लेटी हेलमेंट से लेके कार्डेट तक, मतलब प्लेटी हेलमेंट से लेके कार्डेट तक के जितने इम्ब्रियो हैं, प्लेटी हेलमेंट फाइलम से लेके कार्डेट तक के जितने इम्ब्रियो हैं, सब इम्ब्रियो के तीन जर्म लेयर पाई जाती है जिनका नाम इक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और इंडोडर्म है। अब यहां देखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक अराइजेस फ्रॉम डिप्लोब्लास्टिक। ये देखिए बड़ी मजेदार चीज है डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक क्या है, अगर आप देखें तो डिप्लोब्लास्टिक माने जिनमें दो जर्म लेयर पाई जाती है, जिनके इम्ब्रियो में दो जर्म लेयर पाई जाती है। वो कौन कौन सी जर्म लेयर पाई जाती है, दो पाई जाती है, एक पाई जाती है इक्टोडर्म और एक पाई जाती है इंडोडर्म। कौन कौन सा फाइलम है, अगर आपको याद होगा तो ये है पॉरीफेला टू, पॉरीफेरा टू टीरोफोरा। लेकिन आपको फिर से अपनी बात एक बार रिवाइज कर दूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उनकी ओरिजिन डिप्लोब्लास्टिक होती है। आपको पता होगा कि ये जो मेसोडर्म है, ये जो मेसोडर्म है, इस मेसोडर्म की ओरिजिन इंडोडर्म से होती है। तो जो शुरू के फाइलम है पॉरीफेरा से सिलेंटेटा टीनोफोरा, ये जो तीन फाइलम है इनके एम्ब्रियो में आपको दो जर्म लेयर दिखाई पड़ती है। एक जर्म लेयर दिखाई पड़ती है जिससे इक्टोडर्म कहते हैं और एक जर्म लेयर दिखाई पड़ती है जिसे इंडोडर्म कहते हैं। और इस दो जर्म लेयर वाले जीव से इस तीन जर्म लेयर वाले जीव का निर्माण होता है जिसमें इक्टोडर्म है, जिसमें मेसोडर्म है और जिसमें इंडोडर्म है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों फाइलम से इन फाइलम्स की ओरिजिन, मतलब पॉलीफेरा टीनोफोरा, पॉलीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा से प्लेटी हेलमेंथ, इसके हेलमेंथ थिनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, ऐसे फाइलम्स की ओरिजिन हुई है। अगला आप देखिए, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, देखिए डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन इम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन इम्ब्रियो। अगर आप हार्ट की ओरिजिन देख लें इम्ब्रियो में, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन इम्ब्रियो,
अगर आप इम्ब्रियो में हार्ट की ओरिजिन देख लें, तो देखिए कभी भी जब हार्ट बनता रहता है तो पहले वो टू चैम्बर का बनता है, पहले वो दो चैम्बर का हार्ट बनता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मैमल्स की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने यहां देख लें तो जब हार्ट की ओरिजिन होती है तो हार्ट डायरेक्ट चार चैम्बर का नहीं बनता है, पहले वो दो चैम्बर का बनता है। जब दो चैम्बर का बनता है तब वो थ्री चैम्बर का बनता है, फिर वो फोर चैम्बर का हार्ट बनता है। आपको पता होगा जब वो टू चैम्बर का हार्ट बनता है तो बताता है कि आपके एंसेस्टर फिशेस थे। जब तीन चैम्बर का हार्ट बनता है तो कहता है कि आपके एंसेस्टर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स थे। और जब फोर चैम्बर का बनता है तो कहता है तुम्हारा एडवांस करेक्टर है। मतलब हार्ट का डेवलपमेंट बताता है आपको आपके एंसेस्टर के बारे में। और ये हार्ट का डेवलपमेंट कब हो रहा है? हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है इम्ब्रियो में। और इम्ब्रियो की जब स्टडी करते हैं तो मैंने बताया था उसे ऑन्टोजिनी कहते हैं। इसके सिवा एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल रिकैपिटुलेशन। देखिए बायोकेमिकल रिकैपिटुलेशन, देखिए रिकैपिटुलेशन माने फिर तुम्हारी याद आई। ये देखिए बायोकेमिकल रिकैपिटुलेशन, ये भी एक टर्म है जो एनसीईआरटी में, जिसे आपको सीखना है। क्या सीखना है देखो भैया, तो अगर मैं आपसे पूछूं फिशेस क्या एक्सक्रीट करती हैं, एम्फीबियंस क्या एक्सक्रीट करते हैं? एम्फीबियंस, लेकिन एम्फीबियंस में देखना ध्यान है एडल्ट एम्फीबियंस, एडल्ट एम्फीबियंस क्या एक्सक्रीट करते हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं फिश क्या एक्सक्रीट करती हैं तो आप कहेंगे फिश जो होती हैं एक्सक्रीट्स अमोनिया, ये अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं मोटा मोटा। और ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। एक्सक्रीट्स क्या? यूरिया। मतलब जो अमोनिया एक्सक्रीट करता है उसे अमोनोटिलिक कहते हैं, जो यूरिया एक्सक्रीट करता है उसे यूरियोटिलिक कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप इस लार्वा को देखिए, क्या नाम है इस लार्वा का? इस लार्वा का नाम है टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा। देखिए ये लार्वा, ये जो टैडपोल लार्वा है ये एक्सक्रीट करता है अमोनिया। लेकिन जब इसकी मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक्सक्रीट करता है क्या? यूरिया। फिर से सुनिए कि जब फिशेस अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, एम्फीबियंस यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, एडल्ट एम्फीबियंस, ये लार्वा है टैडपोल लार्वा, जब ये लार्वल स्टेज में रहता है तो ये अमोनिया एक्सक्रीट करता है। लेकिन जब इसके मेटामॉर्फोसिस हो जाती है यूरिया एक्सक्रीट करता है। क्या बताता है? ये बताता है कि फिशेस की ओरिजिन एम्फीबियंस, सॉरी एम्फीबियंस की ओरिजिन फिशेस से हुई। और किस आधार पर? इन केमिकल्स के आधार पर, ये जो केमिकल्स हैं इनके आधार पर वो एक्सप्लेन करता है। इसे हम लोग बायोकेमिकल रिकैपिटुलेशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल आप और देख लें, चिक पे देख लें, चिक जो होती है मुर्गी जो होती है उसमें देख लें, जब उसका इम्ब्रियोनिक फॉर्म होता है, इम्ब्रियोनिक फॉर्म होता है, इम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करती है। जब वो चिक होती है मतलब छोटी मुर्गी होती है तो वो यूरिया एक्सक्रीट करती है। और जब उससे फीडर्स आ जाते हैं बड़ी हो जाती है तो उससे यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है। देखिए मतलब यहां पर चिक चाहे लिखते हैं चाहे हैं लिखते हैं कि जब वो इम्ब्रियोनिक कंडीशन में अमोनिया एक्सक्रीट कर रही है, जब वो जिसमें उसमें जब फेदर्स नहीं होते तो यूरिया एक्सक्रीट करती है, और जब बड़ी हो जाती है तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती है। किसको रिवाइज कर रही है? वो अपने एंसेस्टर्स के द्वारा एक्सक्रीट किए गए केमिकल्स को रिवाइज कर रही है। इसलिए टर्मिनोलॉजी क्या दी गई? बायोकेमिकल रिकैपिटुलेशन, बायोकेमिकल रिकैपिटुलेशन।